नेक्स्ट क्वेश्चन uh, दो बार नीट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है कि इफ़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा एंड द वैल्यू ऑफ बताना है हमें प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट ए क्या होएगा नाउ uh, इसको अगर हम लिखें बी क्रॉस ए उसको हमने फिर डॉट प्रोडक्ट करना है ए के साथ हमें बताना है इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है ये वैल्यू क्या होगी नाउ बी क्रॉस ए जो प्रोडक्ट है बी क्रॉस ए अगर आपके दो वैक्टर हैं ए और बी उनका जो ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा लेटर से दिस इज हम सी वैक्टर Uh, तो हमें बताना है सी डॉट ए की वैल्यू क्या होगी नाउ सी वेक्टर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होएगा बी के और ए के सो so, हमें वेक्टर uh, की प्रॉपर्टी से पता है सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड सी विल बी परपेंडिकुलर टू बी अगर ऐसा केस है कि सी ए के परपेंडिकुलर है तो सी और ए के बीच में एंगल हो गया नाइन्टी डिग्री सो यहाँ पर सी ए कॉस सीटा जब हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी बिकॉज कॉस सीटा नाइन्टी डिग्री का जीरो होएगा हैंस ऑप्शन नंबर डी जीरो विल बी द राइट आंसर